प्रदेश में एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्य सचिव एसआर मोहंती के बीच करीब 2 घंटे तक चर्चा हुई है। अब इस चर्चा के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार प्रशासनिक हलकों में फेर बदल कर सकती है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी। सीएम कमलनाथ ने किया मुख्य सचिव के साथ मंथन। बड़े फेरबदल की तैयारी में कमलनाथ सरकार। बीजेपी की मानसिकता वाले अधिकारियों पर गिरेगी गाज। 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस के लिए प्रशासनिक अमला अभी भी सरदर्द बना हुआ है। कमलनाथ सरकार ने थोकबंद तबादले किए हैं, बावजूद इसके अभी भी सीएम कमलनाथ प्रशासनिक जमावट से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। लिहाजा एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी को लेकर मुख्य सचिव एसआर मोहंती के साथ मंथन किया। एमपी न्यूज़ की सूत्रों की माने तो करीब 2 घंटे चली इस चर्चा में दर्जन भर आईएएस और आईपीएस के तबादलों पर निर्णय लिया गया है। सूत्रों की माने तो इस सर्जरी में 5 प्रमुख सचिव, 4 निगम मंडल बोर्ड एमडी, 5 से 7 कलेक्टर, 3 जोन आईजी और 6 से 7 जिला पुलिस अधीक्षक बदले जाने की अंतिम रूपरेखा तैयार की गई। संभावित कलेक्टर जो बदले जा सकते हैं उनमें ग्वालियर संभाग से 2 कलेक्टर, भोपाल संभाग से 1, शहडोल संभाग से 1, इंदौर संभाग से 1, जबलपुर से 2, उज्जैन से 1 व सागर से 1 कलेक्टर को बदलने पर मुहर लग सकती है। बहरहाल मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में कयासों का दौर जारी है, जबकि माना जा रहा है कि जल्द ही यह बड़ा फेरबदल हमें देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।